गली में मारे फेरे पास आने को मेरे गली। We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? It's already 7:45 and आज का दिन बहुत ही ज़्यादा like bright sunny day है ठीक है आज and so मैंने सोचा कि मतलब मैं भी टू-डू लिस्ट बना रहा हूँ तो मैं हमेशा like पढ़ने का हो या like कुछ भी लिखने का काम हूँ मैं हमेशा टेबल में बैठ के करता हूँ बट आज मैंने सोचा कि मैं बेड पे बैठ के बनाता हूँ क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा सनडे आ रहा था मेरा पीछे जो विंडो है वहाँ से एंड फिल्म करने के लिए लाइट चाहिए तो इसलिए मैं टू डू लिस्ट बनाया था एंड मैं ब्रश करने से पहले मैं टू डू लिस्ट बनाता हूँ जैसे कि मैं सो के उठते ही जैसे बेड वगैरह बनाने के बाद मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ क्योंकि मुझे ना याद रहता है मैं सोचता है ना ब्रश करते करते ना मेरे को ऐसे कोई होता है कि सब लोग ऐसा होता है कि ब्रश करने के बाद बनाते हैं मेरे ऐसे कि मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ एंड देन फिर ब्रश करने जाता हूँ फिर आते ही मतलब कॉफ़ी वॉफी लेके आता हूँ मैं एंड देन पूरा फोकस रहता है कि हाँ ये करना है सो चलो फटाफट बना लेते टू डू लिस्ट ठीक है एंड उसके हिसाब से आज काम होगा आज संडे है सो ज़्यादा कुछ नहीं रखना है आज थोड़ा बहुत ही चीज़ रखना है तो हमारा प्यारा सा टू डू लिस्ट तो बनकर रेडी है ठीक है लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए फिल अप करने के लिए मेरे बॉडी को एक प्यारा सा एक ब्लैक कॉफ़ी चाहिए ऑब्वियसली ब्रश करने के बाद एंड फटाफट वो करते हैं एंड अपना टू डू लिस्ट को फटाफट कंप्लीट करते हैं सो मेरा कॉफ़ी भी रेडी है एंड प्यारा सा कॉफ़ी एंड उसके साथ लाइक डार्क फैंटेसी का एक ये मैं हर रोज़ लाइक ये वाला एक खाता हूँ बिफोर मतलब कॉफ़ी क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि मैंने सुना था मुझे वो याद नहीं तो मुझे याद नहीं है ढंग से कि मैंने मतलब पढ़ा था कि सुना था कहीं पे कि ब्लैक कॉफ़ी मतलब सुबह सुबह एम्प्टी स्टोमक नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो गट्स के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता सो मैं हमेशा लाइक ये एक रखता हूँ घर पे लाइक 24 वाला पैकेट जो होता है मम्मी मुझे भेज देती है सो मैं ये मतलब एक एक करके मैं रोज़ सुबह कॉफ़ी के साथ लेता हूँ सो अब प्यारा सा कॉफ़ी भी रेडी है ठीक है हमारा एक प्यारा सा लाइक कुकी भी रेडी है अब लाइक किस बात का देरी है टू डू लिस्ट कम्प्लीट करने के लिए एक एक पकड़ते हैं एक एक शुरू करते हैं तभी कम्प्लीट होगा चलो शुरू करते हैं पढ़ना सो मेरा जो है DSA का जो एरे था वो हो चुका है मतलब क्लाउड्स का जो था अब वो इसमें लाइक सनराइज हो चुका है ठीक है एंड अब लाइक मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो हाथ में आ जाएगा एरे एंड उसके बाद अब लाइक और पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है ठीक है तो अब लाइक शाम को पढ़ने बैठते हैं
बहुत ज्यादा लाइक मेरे पास पता नहीं क्यों उसमें जैसे मतलब 1 बज जाता है या 2 बज जाता है, मेरे को ऐसा ऐसे लगता है बॉडी के अंदर से लाइक हीट रिलीज हो रहा है, एक्सोथर्मिक वाला रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, ऐसा लगता है मेरे को लाइक, और दिल नहीं करता बैठने के लिए। तो अब लाइक नहा लेते हैं ठीक है, एंड उसके बाद लंच वंच करते हैं, एक छोटा सा नैप लेंगे, एंड उसके बाद लाइक शाम को बैठते हैं पढ़ने के लिए, दैट्स इट। मतलब मोटा मोटा ये है कि मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और 2 टास्क है वो करना है, प्रोबेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो मैं शायद इलेक्ट्रॉनिक्स ना भी करूँ, प्रोबेबिलिटी कर लूँ, एंड DSA के लिए जो एरे था वो थोड़ा प्रैक्टिस कर लूँ थोड़ा सा, तो शायद इलेक्ट्रॉनिक्स ना करूँ, या देख लेता हूँ मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लूंगा, देखते हैं क्या होता है। ये ब्लॉग भी एडिट भी तो करना है, वो भी तो काम आ गया अब तो। सो दैट्स इट, अभी ना रहते हैं फटाफट, नहीं तो फिर दीदा चिल्लाएगी। सो मैं लाइक मेरा नैप लेके मैं उठ गया था अराउंड 4:30 को ठीक है, मतलब मैं लंच करते करते तो लेट हो गया था क्योंकि आज बिरयानी बना था घर पे, सो उसको थोड़ा सा दम में रखा हुआ था तो लेट हो गया था ऐसे भी। तो वह अराउंड 3 को मैं नैप लेने लगा, हमने सोचा था मैं 4 बजे तक नैप लूंगा, बट लाइक 4:30 हो गया था एंड मैं उठा मेरे एक फ्रेंड का कॉल की वजह से, एंड उसने मुझे बुलाया। फिर हमारे एक मैम है श्रेया मैम, तो उनके उनको कुछ गिफ्ट वगैरह देना है, टीचर्स डे आ रहा है, एंड टीचर्स डे के मतलब दिन तो नहीं है, उसके संडे मतलब कमिंग संडे को एक पार्टी है मैम ने थ्रो किया हुआ है, सो उसके लिए थोड़ा गिफ्ट अरेंज करना था, तो उसके लिए गए थे। एंड फिर तो मतलब दोस्त से बात हो जाता है तो फिर टाइम पास निकल ही जाता है। एंड उसके बाद कल कॉलेज का टीचर्स डे है, उसके लिए भी एक दोस्त गाना गा रहा है तो मुझे गाना सुना रहा था, तो वो उसके लिए सारा टाइम निकल गया। तो अभी 7:09 और है, और मतलब लेट नहीं करता ठीक है। मेरे एक प्यारा सा कॉफ़ी रेडी है यहाँ पे, एक मिनट आपको दिखाता हूँ आप लोग को। एंड यहाँ पे मेरा प्यारा सा कॉफ़ी रेडी है ठीक है, एंड मुझे क्या वीडियो देखना है यूट्यूब पे वो भी रेडी हो चुका है, एंड पेन मतलब कॉपी एंड पेन भी रेडी है, मतलब पेन के नाम पे रिफिल है। सोचो क्या चल रहा है मेरा जिंदगी में, बीटेक के मतलब अगर इंडियन इंजीनियर हो और तुम जुगाड़ के भरोसे नहीं चल रहे हो तो फिर तुम कैसे इंजीनियर हो, इंडियन इंजीनियर नहीं हो तुम। इंडिया में इंजीनियरिंग करना मतलब जुगाड़ के साथ चलना है तुम्हें, इंडिया से ही जुगाड़ के भरोसे फेमस है। और इसी के साथ श्री गणेश करते हैं, चलो। सो फार सो गुड, लाइक अच्छा ही था आज का दिन ओवरऑल, एंड लाइक मैंने अब लाइक मेरे को DSA का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था तो लाइक वो करूँगा मैं डिनर के बाद। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यार आज पढ़ने का और मूड नहीं है, मैथ्स मैंने कर लिया है, सो लाइक टू डू लिस्ट का लाइक 90% मैंने कंप्लीट कर लिया है। एंड इसके साथ मैं ब्लॉग एंड कर देता हूँ यहाँ पे ही, एंड लाइक बस इतना ही था ठीक है। कल कॉलेज चलते हैं, वहाँ पे टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होगा, छोटा सा डे नन्ना सा मुन्ना का सेलिब्रेशन है, वो उसको कवर करेंगे, मज़ा आएगा। एंड चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए यार बाय बाय। ओके सो मैं लाइक व्लॉग एडिट कर रहा था, एंड देन मुझे याद आया कि मैंने तो एक मतलब जो हमेशा सारे यूट्यूबर्स कहते हैं यूट्यूबर्स का टैग लाइन, मैंने वही नहीं कहा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ठीक है। एंड लाइक मुझे पता है आज का पहला वाला जो वीडियो वो थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा, लेकिन कल का वीडियो एक्साइटिंग है, उसके लिए वेट करो, उसके लिए सब्सक्राइब करना जरूरी है ठीक है ना, सब्सक्राइब करो।